तो यहाँ पे जी मोटर चला दी है, टैंकी के अंदर भरा जा रहा है पानी। लाइट का कोई पता नहीं था कभी भी जा सकती है, तो टैंकी हमारी खाली थी तो मैंने मोटर चला दी, तो अब आ रही हो गई है, बाकी थोड़ी सी रह गई है बाकी। तो उसमें यहाँ पे इधर यहाँ से किकर के पत्ते यहाँ पे नीचे किसके अंदर गिरे पड़े, तो ये उठाते हैं। यस, तो ये ऊपर जब टैंकी फुल हो जाएगी तो आप ये अपने आप ही ऊपर तैर के बाहर निकल आएंगे। तो इसको भाई किसने छोड़ दिया, अपने आप छोड़ के आ गया। तो यहाँ पे जी आया पड़ा बांस, तो ये मेरे मामू लेके हैं बांस। तो ये इसका क्या करना है, तो आप सामने तारे देख रहे हैं, नीचे तार गिर पड़ी है, तो ये बांस लगाना बड़ा। तो पहले लगाया वो छोटा बांस है, तो अब लेके आए ये बड़ा। तो ये बांस मुझे लगता है 350 का होगा। तो कुत्ता मेरा मुझे लगता है बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया। तो जी यहाँ पे मेरे घर के सामने भी पिल्लर लग गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये खड़ा है कि ये, और एक वहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे खाले खाले का पानी बाहर जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने वो बन्ना बनाने इसको जो आगे फसल को पानी दे सके। तो सामने तेल अभी तक पड़े हैं। तो ये देखिए इसको, ये मेरी अम्मी लगाया था, एक छोटा सा डंडा ही बस लगाया था, और आज एक इतना बड़ा दरख्त हो गया सुजामने का। तो उसके ऊपर कौवा भी बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हवा आज गर्मी तो है, लेकिन यार आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चली है, गर्मी भी है। ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पीछे धूप ही, जैसे धूप ही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया। तो हमारे छोटे बकरे वहाँ पे चले गए, तो पीछे देखिए मेरा कुत्ता भी गया। इन्होंने यार बड़ी स्पीड में काम किया करें, हमारे मिस्त्री होते नहीं, गवर्नमेंट के मिस्त्री देखिए टेंडर वाले आए हैं, लगा के चले भी गए हैं। अभी अभी 9:11 का टाइम है और 10 बजे आए थे, 1 घंटे में उन्होंने सारे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए फिल्म का है, आने वाली फिल्म का हीरो सुपर स्टार जा रहा है, सुपर स्टार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ में कैसे होंगे। तो यार ब्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने आपको कहा कि वो जो अबे खाले में काम घुस गया, अबे वो बाहर आ रही हो सर, सामने गंदा पानी और इसके अंदर घुस गई है, देख लो इसके काम। आज मैंने खोला ना दरवाज़ा, तो भाग के पीछे आ गया, जिसको फुल मौजे मिली हुई है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, साय के नीचे ठंडी हवा चल रही, तो आप देख सकते दरख्त हिले हैं। तो आज कल तो यार गर्मी थी लेकिन हवा भी नहीं थी, लेकिन आज धूप भी है और ठंडी हवा भी चल रही है। तो बस यहाँ पर उन्होंने पिलर लगा दिए, तो बस एक दो दिन में यहाँ पर वायरस भी लग जाएंगे। ऐसा मेरे ये पीछे बाढ़ देख रहे हैं, तो ऐसा बाढ़ एक बार इन्होंने पहले भी बनाया था, 3-4 साल पहले वो इन्होंने बाढ़ बनाया था, वो था यहाँ पे। तो अभी इन्होंने लगाए, यहाँ पे पत्थर यूज़ किए हैं, पत्थर के पिलर, तो वहाँ पर इन्होंने यूज़ किए थे बांस। तो जो जानवर थे गाय, बड़ी बड़े जानवर जैसे गाय भैंस, वो स्पीड में तारें खींच के उन्होंने बांस को फेंक के वो फेंक दी। तो अब उन्होंने लगाए ये पिलर, तो ये पत्थर के पिलर है, तो यहाँ पे इन्होंने सीमेंट भी, इसके आप देख सकते हैं वहाँ पे सीमेंट भी लगा हुआ है। तो मैं जा नहीं सकता, रास्ता आया नहीं, तो सामने गंदा पानी है, तो ये अंदर फिर ही जा रहा है। वो बिल्ली देखिए, बिल्ली घर से निकल के आ रही है। ये वाली हमारी लकड़ी जो है, तो पहले ये वहाँ पे पड़ी थी इस जगह पे, तो आर्मी वालों ने कहा कि हम आपको 10 फुट जगह दे रहे हैं, 10 फुट के एरिया में लकड़ी ये रख लें। तो ये 10 फुट के एरिया में लकड़ी सारी हमने रख दी है। तो यहाँ पे आप ये जो खजूर का दरख्त देख रहे हैं, तो ये दरख्त पहली बार नहीं हुआ, तो ये हर साल हमारे घर में या घर के बाहर, तो ये मेरा घर है, तो ये घर के सामने हर साल ऐसे 3-4 दरख्त हो जाते हैं, इतने बड़े होकर फिर ख़त्म। कभी बड़ा दरख्त नहीं हुआ, कोई खजूर का बड़ा दरख्त नहीं है, ये नहीं कि बड़ा हो जाए उसके ऊपर खजूर लग जाए, बस यहाँ तक जाएगा या इससे 1-2 फुट ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद खुद ही गल सड़ जाएगा। तो ये बैठा यहाँ पे घास पे, भाई लोग ये जो टी शर्ट है ना, ये मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के, मैंने ये दराज से ऑर्डर की थी, तो ये मैंने 0 साइज़ ली थी, लेकिन ये मुझे इतनी यहाँ तक खोली थी, यहाँ तक फुल। तो ये दोबारा मेरी अम्मी ने मुझे टाइट करवा के दी है, तो इसके पहले बाजू यहाँ तक आते थे, यहाँ तक, तो अब ये टाइट हुई है कुछ, तो अब इस तरह से कुछ है। तो चलते हैं ये घर, तो मैं घर चलता हूँ। तो सामने मेरे पापड़ वाला आ रहा आदमी, आलू छोले लेके फिर, और पापड़ भी। तो चलो भाई, तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गए, पहले वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे बैठा था भाई, ठंडी हवा वहाँ पे चल रही, तो मैं घर आ जाऊँ। इसके लिए कोई रस्सी तलाश करते हैं और इसको बांधते हैं कहीं छांव पे, वरना
इसने कभी भांडा बर्तन मुंह मारना, कभी किसी बच्चे को के पीछे पड़ जाते, कभी काम भागते, कभी काम। तो इसके लिए रस्सी ढूंढते हैं। तो फिलहाल मैं अपने नानी के घर आया खड़ा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने पता नहीं कौन सा दरख्त यहाँ पे छुपाया हुआ, मुझे नहीं पता। तो कह रहे हैं अगर इसको ढांप के रखो तो ही बड़ा होता है। तो फिलहाल इसको ढांपो तो आवाज़ को यहाँ से मिल रही है, ये जो होल्स हैं। तो ये परिंदा किस चीज़ का, ये मुझे नहीं पता। तो गाइस यार आप चेक करें, वहाँ पे पैंप लीक है और यहाँ पे सारा देखिए कीचड़ ही कीचड़ है। तो ये पैंप भी नया लेके आना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी सदी में आएगा। लेके आना है ज़रूर, पता नहीं कब आएगा। अब यहाँ पे आकर अब इनको तंग करना शुरू कर दे, देख लो। अब वो बेड़ चारा खाए जा रही, तो अब इसको तंग कर दे। अब इसको बांधना पड़ेगा बेटा, तेरा इलाज मैं करता हूँ। इधर रस्सी पड़ी होगी कोई,